नमाज पढ़ने के नमाज पढ़ने तो बाद फिर अपने आने
Thank you.
चल रहा है और ये जो आज का प्रोग्राम है ये हमारी आपस की मोहब्बतें और जो हमारा आपस में एक रिश्ता है उसी को उजागर करने के लिए, उसी को महसूस करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। अजीजों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون। ऐ लोगों, हमने आपके ऊपर एक महीना भेजा है, रमजान का महीना, इसके अंदर रोजे रखने हैं। और रोजे क्यों रखने हैं? के अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा कहते हैं उस चीज को कि हम ऐसी आदत हमारे अंदर पैदा हो जाए जिससे हमारा रात दिन का कॉन्टेक्ट, दिल के अंदर सोच हमारी ऐसी बन जाए कि हम रात दिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारे ये काम करने से वो मालिक, वो अल्लाह नाराज होता है या राजी होता है। हमें हर वक्त इस चीज़ का एहसास रहना चाहिए। तकवा इसी चीज़ को कहते हैं कि हम हर वक्त हर काम में ये पहले सोच लें जैसे मालिक नाराज़ होता है या राजी होता है। जिस चीज़ों से अल्लाह नाराज़ होता है, वाहिगुरु नाराज़ होता है, हमने हर उस चीज़ को छोड़ देना है। और जिस चीज़ से वो राजी होना है तो हर एक उस चीज़ को हमने अपनाना है। ये बात सच्ची है कि एकदम से आदमी पक्का नहीं बन सकता। पहले थोड़ा 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 इलम सीखना पड़ता है, फिर उस पर एक एक करके अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, फिर एक एक अच्छी आदतों की हमें वॉश ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसी ट्रेनिंग का हिस्सा ये रोज़ा है। असल रोज़े की के जो फ़ायदे हैं बहुत सारे और अनगिनत फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो रब जिसने हमें हुक्म दिया है अपना हुक्म मानने की वजह से हमसे राजी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ा रखते वक्त जब इंसान भूखा रहता है तो भूखा रहने की शक्ल में उसकी आत्मा शक्ति, उसका पावर, जो आत्मा का पावर होता है वो बढ़ता है। फिर उसको बुराई देखने लगती है और अच्छाई करने का उसका मन करने लगता है। जिस आदमी का रूहानी आत्मा पावर कमज़ोर होता है उसका मन बुरे काम करने का ज़्यादा करता है। जिस आदमी का पावर जाग जाता है और वो अपनी आत्मा को जला लेता है उसका जो बुरे काम करने का, माड़े काम करने का जो मन होता है वो कम हो जाता है। और जब वो मेहनत ज़्यादा कर लेता है बिल आखिर आदमी ऐसा हो जाता है कि वो माड़े कामों से बिल्कुल उसको नफरत हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर एक रूहानी पावर और एक ऐसा दिल पैदा हो जाता है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, जो लोगों के लिए बुरा नहीं करता। हर ये रोज़े के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है। और रोज़े की हिकमत ये है कि अगर हम रोज़ा रखते हैं, भूखे होते हैं, तो देखो जब आदमी कमज़ोर होता है पैसे की लाइन से तो उसको सब गरीब अच्छे लगते हैं, जब मालदार हो जाता है तो उसको अमीर अच्छे लगते हैं, गरीब उनको गरीबों की शक्लें देख उसको गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे ही जिस आदमी का पेट भर जाता है तो फिर करीब के अपने पड़ोसी को, यह के अपने रिश्तेदार को, या वो अपने जानने वाले को, या किसी भी इंसान की तरफ, जो आदमी गरीब है, भूखा नंगा है, तो उसकी तरफ उसका दिमाग बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि सुबह खाया, शाम खाया, दोपहर में खाया और उसका दिमाग हाई लेवल पर पहुंच जाता है। रोज़ा रखने की एक हिकमत ये आती है कि रोज़ा रखकर सुबह से शाम तक भूखा रहना, पानी भी नहीं पीना और ज़रा सी चीज़ कोई भी नहीं खाना, तो उससे हमें ये याद रहे कि हमारा रिश्तेदार भूखा तो नहीं है, हमारा गुआंढी भूखा तो नहीं है, या हमारे शहर का कोई मजदूर या कोई गरीब आदमी या कोई ऐसी औरत जिसको कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे बच्चे हैं, वो लोग भूखे तो नहीं सोते। और भूख लगने के बाद दिल के अंदर और ये कि जो मैदे के अंदर एक आग लगती है, कैसी कैसी बातें सोचती हैं, कितना आदमी अंदर ही अंदर रोता है, कुड़ता है,
उसको कैसी तकलीफ होती है, फिर किसका एहसास होता है कि भाई जब आदमी खुद भूखा रहता है फिर वो भूखों को तलाश करता है, भूखों की तरफ उसकी मोहब्बत बढ़ती है, कमजोरों की तरफ उसकी मोहब्बत बढ़ती है। यानी भूखा रहने से एहसास पैदा होता है कि जैसे मैं भूखा हूँ, जैसे मुझे तकलीफ होती है भूखा रहने से, ऐसे ही मेरे अगर मेरा गुआंडी कमजोर है, कम माल वाला है, कम पैसे वाला है, तो उसके बच्चों को भी ऐसा ही होता होगा, उस बेचारों को भी ऐसा ही होता होगा। हमारा कोई रिश्तेदार है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बाप नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, उनको कैसा लगता होगा जब सब खाते होंगे और हम भूखे रहते होंगे। तो हमें ये एहसास कराने के लिए रोजा रखा जाता है कि हम और इंसान तो इंसान, हमारी गली का कुत्ता भी भूखा न रहना चाहिए, इस चीज का एहसास हमें होना है। साइंटिफिकली भी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जब अगर इंसान 11 महीने खाए तो साइंस ये कहता है कि उसको चाहिए कि वो 1 महीना डाइट पर रहे, डाइटिंग के प्लान से वो खाए। उससे क्या होता है, जब इंसान भूखा होता है तो उसके अंदर एक आग लगती है मैदे के अंदर, और वो आग जब बढ़ती जाती है और उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो जैसी पेट चर्बी होती है और जो खराब जरासीम पैदा होते हैं जिस्म के अंदर, और वो कुछ ऐसी जगह होती है जिस्म में जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाता, उधर वही पेट चर्बी के अंदर खराब जरासीम पैदा होकर बड़ी बड़ी बीमारियाँ होते हैं। तो जो बंदा 40 दिन या 30 दिन अपने आप को भूखा रखे और डाइट पर रहे तो उसकी वो तमाम चर्बी जल जाती है और मशीन उसको सारे को जलाकर खत्म कर देती है। उससे फायदा यह होता है कि 60% बड़ी बीमारियों के चांसेस इंसान में से खत्म हो जाते हैं। मर कुछ लोग होते हैं जो रोजा तो रखते हैं, मर सुबह भी पूरा दबा के खाते हैं, शाम में भी ज्यादा खाते हैं और तली हुई चीजें और अजीब अजीब खाते हैं, तो उनको वो फायदा ज्यादा मैसर नहीं होता। फायदा उसको ज्यादा होता है जो बहुत कम सुबह में खाए, बहुत कम शाम में खाए, उसको वो फायदा ज्यादा मेडिकली फायदा होता है। तो अजीज साथियों, रोजे का जो मकसद है वो आपसी भाईचारे को, अपने भाई कमजोर साथी को भी साथ लगा के चलना, हमारे गरीब को भी साथ रखना, अमीर भी साथ रहना, ये सारी चीजें रोजे का पैगाम है। हमारी सेहत भी मजबूत होना और हमारी सोच भी अच्छी हो जाना, यही पैगाम रोजे का है, यही फायदा रोजे रखने का है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे अजीज साथियों ने, हमारे भाइयों ने इस मोहब्बत के प्रोग्राम को रखा है, ये एक बड़ा काबिल तहसीन और काबिल इज्जत काम है कि साथियों की सोच को सलाम है जो इस बुरे दौर में और मीडिया के गंदे सोच के जमाने में जो रात दिन प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे खिलाफ, उस वक्त में एक अच्छी सोच रखते हैं और इस सोच को बढ़ाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह हम सब इसमें इकट्ठे हैं और साथ हैं। तो इस चीज को सलाम है कि आप लोगों की सोच को हम दिल से सलाम करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कदम आपने उठाया। हम सब भाई हैं, इंसान हैं, हम एक दूसरे की जरूरत है और हम सब इसमें अपने साथ इंशाल्लाह आज भी तैयार हैं, कल भी साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम किसी सियासी सिस्टम में आके या किसी और किसी के भड़कावे में आके हम किसी के एक दूसरे के खून के प्यासे हों, ये नामुमकिन है। अब कुछ भी हालात बनते रहे, हम एक दूसरे के साथ होंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना सकेगा और कोई कुछ किसी की चालबाजियां और मक्कारियां हमारा कुछ उखाड़ ना सकेगी। क्योंकि जब दो भाई मिल जाते हैं फिर एक अजीब पावर बनती है, और एक लड़ाई जब शुरू हो जाती है फिर उसका एक बेहतरीन उसका एक अंजाम होता है। जब लड़ी टूट जाती है फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैं इन अल्फाजों के साथ अपने भाइयों से विदाई लूंगा। अल्लाह ताला हमें भी और सब भाइयों को भी इकट्ठा होकर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें ऐसे रास्ते पर चलाए जो रब तक पहुंचाने वाला हो, हम सीधे अपने रब को राजी करने वाले बन जाए, लोगों की रजा जिस चीज से राजी होते हैं उस पर चलने का हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े सोहने अल्फाजा रोजे के बारे में दसिया कुछ गल्ला उर्दू के बच्चे हो सकता किसी बंद समझ ना आई हो क्योंकि उन्होंने भाषा जी ना उर्दू है अरबी है। तो पंजाबी मैं कहना चाहूँगा कि रोजा जोड़ा वो बंद वास्ते एक पराई घर तो सेहत के वास्ते एक ऐसी चीज़ बनाई गई है कि जिस शरीर के बेस सिस्टम आप कह सकते हैं।
हरेक चीज चार्ज करते हैं, हरेक चीज का ख्याल रखते हैं। तो जिसमें जो अपन उपर इतर तो अमन दिता गया मौत तक रात, जे असं इन्हें सांभ संभाल करा तो साढ़े सर को आकर सह तक सह गए खुशी के नाम। जे असं इन्हें केयर ना करिए, नशा नहीं चलाया, बुरी आदतों नहीं चलाया, यदि खुराक का सही ध्यान ना रखा तो रास्ते कड़ा होगा खुराक ही समय जो होगा सा बड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह अभी देखते हैं बहुत सारे लोग नशे पै पे ने माँ तो कले कले पुत नशे पै पे ने, रब सारे बचा के रखे। तो ये चीज़ धर्म के नाल जुड़ने का मकसद यह होंगे कि बंदा तमाम बुराइयों तो बचता है। धर्म जरा सारे प्यार सिखा सत्कार सिखा और इसे प्यार सत्कार की मिसाल अच्छे बैठे तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। लॉकडाउन के पहली बार हो भाइयों वालों बड़ा खुशी का बड़ा सलाहकारयोग कदम है कि असं इकट्ठे होकर बैठे और सारे इकट्ठे भाई रोजा अवतार कराया और सारे भाइयों ने सू रोजा खुलवाया, बड़ा ही दिल खुश होया। मैं सारे भाईचारे वालों सारी कम्यूनिटी का और जोड़े भाइयों ने पूरा साथ दिता इस कम एक इस काम के मिशन के उन्होंने दिल में धन्यवाद करते हैं और अभी तो उम्मीद रखते हैं कि असं होर प्रोग्राम इकट्ठे होंगे रहेंगे। तुम सूँ हर बार बुला लो, असं भी खुशी पहुँचते हैं, बड़ी खुशी होंगी है कि साढ़े भाइयों ने सू बुलाया, असं खुशी पहुँचते हैं और तुम सा बड़ा मान रखे सूँ बुलाया। सारे भाइयों दिल बड़ा खुशी बाग भाग नहीं, कोई दिल बंदा तो खोल के दिखा नहीं सकता, पर इन्नी खुशी है कि असं बया अल्फाजा बयान नहीं कर सकते। बड़ा ही प्यार मुहब्बत है पैगाम जो अपने अगे वध्या, उम्मीद है असं अगे फिर इकट्ठे होते रहेंगे कि और असं आखिर छोटी दुआ के नाल मैं दुआ आखिरी अरदास कराऊंगा, असं सारे आमीन कहेंगे ताकि पंजाबी वैसे हर का ही मान साधा बनना है क्योंकि इन्होंने उर्दू कहना है तो सूँ अरदास समझ नहीं आ, इस करके मैं पंजाबी अरदास और दुआ कराऊंगा आप सारे आमीन कहिए। उस तो आप इस मैं मजबूत समाप्त करा कहते भाई शुरू करिए। ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار یا میرے مولا میرے آقا سارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما یا اللہ ساری غلطی کو تمہیں معاف فرما یا اللہ سے سارے تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں یا اللہ ساتھ تو بہت ساری کمیاں تائیں ہو گئی ہیں کہ پر یا اللہ جس طرح اسے شریر کو استعمال کرنا چاہیے تھا جی प्याला सुरा नहीं कर सके, या अल्लाह सानू इस तरह कमाल चलाना चाहिए नहीं ला सके, या अल्लाह इस बड़ी गुनाही में सानू माफ कर, या अल्लाह इंदा वास्ते जिहड़ी जिंदगी बची है अल्लाह तेरा हुक्म दे विच तेरे नवें तरीके विच गुजारन दी तौफीक अता फरमा, या अल्लाह छोटे छोटे गुनाह तो बचन दी तौफीक अता फरमा, या अल्लाह पड़ोसे दे हक अदा करन दी तौफीक अता फरमा, या अल्लाह साडे अल्लाह इक दूसरे हुकूक अदा करन दी तौफीक अता फरमा, आपस प्यार मुहब्बत नाल रहन दी तौफीक अता फरमा, या अल्लाह इह सारी चाल चल रही ने पंजाब दे माहौल नू खराब कर दियां, या अल्लाह उन्होंने लोगों की शासन में आता हूँ परमा, या अल्लाह पूरे पंजाब अंदर पूरे सूबे अंदर या अल्लाह पूरी दुनिया अंदर प्यार मुहब्बत में अमन शांति और भाईचारे में कायम फरमा, या अल्लाह जो लोग इस काम को बिगाड़ना चाहते हैं, या अल्लाह जो भाईचारक सामने खत्म करने में लगे हैं, या अल्लाह ऐसे लोगों ने अल्लाह हिदायत अता फरमा, या अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह अगर हिदायत नसीब चुनी या अल्लाह तो उन्होंने सफाए हासिल करो, या अल्लाह उन्होंने साफ फरमा, या अल्लाह इस रमज़ान शरीफ का माल महीना चल रहा है, या अल्लाह के जहन दर खुले हुए हैं, या अल्लाह जो कोई मंगता धोखा करता है, या अल्लाह सानू दुनिया और आखिर तमाम भलाइया नसीब फरमा, या अल्लाह सानू प्यार मुहब्बत अता फरमा, या अल्लाह एक दूसरे हक समझे हुए अल्लाह एक दूसरे मोढ़े मोढ़ा जोड़ के खड़न की और मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह इस तरह हादसा ना अल्लाह बचता आ रहा है, या अल्लाह इस तरह इस दौर के अंदर अल्लाह कुछ लोग ने अल्लाह तेरे हक की आवाज़ उठाते हैं, या अल्लाह भाईचारे सामने जोड़ की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्होंने हिम्मत और ताकत अता फरमा, या अल्लाह जिन्हें भाई ने इस काम के लिए अल्लाह हिम्मत करी है, या अल्लाह कहना सुनना करे, या अल्लाह जो भी खर्च करे, या अल्लाह जान माल वक्त जी इस लाइन या अल्लाह कुरबानी दी है, या अल्लाह ने उस कुरबानी को कबूल फरमा, या अल्लाह उन्होंने इसका बदला दुनिया और आखिर अता फरमा, उन्होंने दौलत नाल मालोमाल फरमा, या अल्लाह असं मंगा तो बहुत कुछ चाहिए थी, या अल्लाह पर अपनी औकात के मुताबिक मंगया तू अपनी शाय निशान अता फरमा, या अल्लाह इन्नी की दुआ में अल्लाह मुख्तर से दुआ में अपने मुसवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सबक मनु सुना सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलाम अला मुरसलीन रब्बिल आलमीन। इस समागम के सारिया संगत जुड़ी हैं, साडे मुसलमान वीर जो रोजा खुलवाउण दे विच संगत ने जो एक कदम पुटा है सारे के सहयोग के नाल अपनी भाईचारक सांझ बनी रहे, असे इस तरह ही जो सा हर एक धर्म प्यार की भाषा सिखा नफरत के बीज
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਫੌਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਟੀਕੂ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਅਖਤਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਾਗੇੜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਲੋਹਾਗੇੜਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ DNA ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਖਚੈਨ ਵੀਰ ਜੀ ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਦਿਲੋਂ ਦਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।